हेलो माय फ्रेंड, आप लोग सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और बहुत बढ़िया, और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो देखिए, यहाँ शाम के टाइम मैं किट्टू को जा रही हूँ ट्यूशन लेने, और बोकारो में बहुत ज़्यादा गर्मी है, 43 टेम्परेचर है। तो अभी मैं उसको ट्यूशन से लेके सीधे घर जाऊँगी। तो आप लोग वीडियो में बने रहें, और हर जगह बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो मैं अभी जा रही हूँ। और गई शाम का टाइम है, तो सुबह का जो कपड़ा डाला हुआ था सारा कपड़ा सूख गया है, तो मैं अभी इसको फोल्ड करके रखूँगी अच्छे से, और मैं झाड़ू मारूँगी। ये तो रोज़ का टाइम है झाड़ू मारना, सुबह झाड़ू शाम में झाड़ू, एक हाउस वाइफ की यही ज़िंदगी है, घर का सारा काम करना और अच्छे से घर के रखना। तो ये रूटीन है, डेली रूटीन है, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, सुबह शाम लगे रहना है। पर इतना गर्मी पड़ने के बाद भी इतना गर्मी पड़ रहा है, हद से ज़्यादा गर्मी है। और एक बोकारो में ही गर्मी नहीं पड़ रहा है, हर जगह बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है। उसको बावजूद भी एक हाउस वाइफ को घर हर चीज़ संभालना करना, मैनेज करके रखना गर्मी का टाइम में, अभी बहुत झाड़ू लगा दिया। तो मेरा डिटर्जेंट पाउडर ख़त्म हो चुका था, तो मैं यहाँ पैकेट खोलकर डब्बा में फिल कर दूँगी। और डिटर्जेंट पाउडर सर्फ एक्सल मैं यूज करती हूँ, तो साथ साथ में मैं मशीन में भी कपड़ा डाल दूँगी, तो कपड़ा भी मेरा साथ साथ में धुला जाएगा। जो सुबह का कपड़ा है तो दो बार कपड़ा हो जाता, कपड़ा ज़्यादा हो जाता क्योंकि छोटा बच्चा है ना, और गर्मी का भी टाइम है। तो मैं यहाँ वॉशिंग मशीन स्टार्ट कर दूँगी, और मैं फिर किचन में लग जाऊंगी, साथ साथ में मेरा कपड़ा भी धुला जाएगा, और उधर जो भी काम है तो मैं साथ साथ काम भी कर लूँगी। अरे हाँ, मैंने मशीन भी स्टार्ट कर दिया, तो इधर मेरा कपड़ा भी धुला जाएगा। और मैं देखती हूँ फ्रिज में क्या क्या है। तो सब्ज़ी में क्या है, भिंडी है, भिंडी है, पटल है, और बोधी है, और उसको हम लोग झिंगी बोलते हैं, और किट्टू मिठाई रखा है फ्रिज में। और ये गाइस, ये दाल मैंने 2 दिन से रखा है फ्रिज में, क्योंकि जब मैंने दाल पीसने गई थी तो मेरा मिक्सी ख़राब हो गया, तो ऐसे फ्रिज में पड़ा हुआ है, और मिक्सी भी अभी बनकर नहीं आया है। तो अभी यहाँ मैं भिंडी का भुंजिया बनाऊंगी, क्योंकि शाम का टाइम है और प्लस बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो ऐसे भी डिनर में हैवी डिनर तो हम लोग करते नहीं हैं। तो और अभी मैंगो का सीज़न चल रहा है, तो मेरे घर में सबको मैंगो सबका फेवरेट है, तो मैं यहाँ साथ साथ में भिंडी का भुंजिया काट लूँगी। और भिंडी का भुंजिया किट्टू का फेवरेट है, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है दाल चावल पे। तो और गाइस, मिक्सी ख़राब हो गया कढ़ी बड़ी के लिए, दाल ये चना का दाल भिगा के रखे थे, तो ऐसे फ्रिज में पड़ा हुआ। तो देखती हूँ कल मैं मिक्सी बन के आता तो मैं बनाऊँगी, नहीं तो फिर किसी और के घर से इसको लाऊँगी पीस कर। और यहाँ पे मैं भिंडी काट रही हूँ। और यहाँ गाइस, शाम का टाइम हो गया है, तो शाम में तो सबके घर में शाम दिखाया जाता है, तो मैं यहाँ पे भी शाम दिखा रही हूँ। और शाम दिखाना चाहिए, घर में सुख शांति बने रहते हैं, घर में पूजा पाठ भी करनी चाहिए। तो यहाँ पे एसी स्टार्ट था, तो मैं एसी का स्विच ऑफ किया और फिर फ़ैन भी ऑफ की। तो
यहाँ पे मैं पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद जो काम है मैं करूँगी। और गाइस, घर में पूजा पाठ करनी चाहिए। पूजा पाठ करने से क्या होता है कि घर में शांति बने रहते हैं, सुख संपत्ति बढ़ते हैं। तो मैं सुबह शाम पूजा करती हूँ, और मेरे घर में मेरे हस्बैंड भी है, वो भी बहुत पूजा करते, बिना पूजा किए खाते पीते नहीं हैं। तो और देखिए, मैं यहाँ पे किट्टू का ट्यूशन लेने आ गई थी, तो किट्टू अभी यहाँ पे खेल रहा है, ट्यूशन पढ़ लिया है, थोड़ी देर खेलेगी, उसके बाद मैं घर लेके जाऊँगी। और गाइस, सोमादी का भी मिक्सी ख़राब है, तो साथ में मैंने दोनों दिए बनाने के लिए, तो साथ में भी जाऊंगी सोमादी के साथ, मिक्सी बनाए कि नहीं। तो देखिए, मैंने दुकान पे यहाँ पे आ गई हूँ, बट अभी मिक्सी बना नहीं है, बोर्डे लाइट बहुत ज़्यादा कट रहा है, इसलिए मैंने नहीं बना पाया हूँ। तो देखते हैं कब तक मिक्सी बनता है। और अभी मेरे घर में डेली सुबह शाम दोपहर बस सूखा सूखा भुंजिया, कभी कुछ बन रहा है, और हल्का सूखा सब्जी भी बनाती हूँ। तो छोटा वाला जो खल होता है ना, उसी में लहसुन आदि गुल के कूट के उसको मैं डालती हूँ। और यहाँ पे देखिए, मैंने आटा गूंद रही हूँ, और किट्टू मुझे परेशान कर रहा है कि मम्मा मुझे भी करना है, मुझे भी करना है। और गाइस, मैं आटा एक्चुअली एक दिन का नहीं है, मैं डेली 2 घंटे पहले आटा गूंद के रख देती हूँ, क्योंकि रोटी जो उसकी होती है ना, फूला फूला बनता है। और तुरंत आटा गूंद के रोटी बनाइएगा तो रोटी अच्छा नहीं बनता है। मैंने पहले ऐसे करती थी, लेकिन जो मेरी सासू माँ है वो बोलती थी कि रोटी बनाने के पहले 2-3 घंटा पहले आटा गूंद के रख दो, तो रोटी उसका सॉफ्ट और नरम अच्छा बनता है। तो मैंने ही अब वैसी करती हूँ। और गाइस, कभी भी आप आटा गूंदिए तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल के अच्छे से उसको गूंदिए, क्योंकि जो रोटी होती है ना, रोटी में मिठास आती है, तो मैं वैसी करती हूँ। और किट्टू मुझे यहाँ बार बार परेशान कर रहा, मुझे आटा चाहिए, मुझे भी करना है, मुझे भी करना है। और गाइस, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, क्या बताऊँ, लेकिन काम तो करनी है, बिना खाना बनाए तो आप खा नहीं सकते हैं। और यहाँ पे मेरा आटा गुंदा गया, तो मैं इसको आटा के अच्छे से ढक के रख दूँगी। और किट्टू को भूख लगा हुआ, बार बार परेशान कर रहा है, मम्मा भूख लगा है, मम्मा भूख लगा। तो मैं अभी भुंजिया बना देती हूँ, और भुंजिया बनाने के बाद उसको खिला दूँगी। खिलाने के बाद मैं किट्टू का पढ़ाई भी करना है, तो उसको होमवर्क भी बनवाना है। तो अभी क्योंकि अभी गर्मी छुट्टी चल रहा है उन लोग का, तो अभी तो स्कूल उन लोग का बंद है, और 19 से ओपन होने वाला था, तो बट मैम का मैसेज आया कि 19 से जो गर्मी पड़ रही है इसके कारण फिर से स्कूल बंद कर दिया गया, बट ऑनलाइन क्लास होगा 8 से 10। तो ऑनलाइन क्लास करवाऊँगी उसको मैं। और मैं यहाँ पे भुंजिया भूंज रही हूँ, भुंजिया बन जाएगा तो मैं उसको खिला पिला दूँगी, क्योंकि बच्चा छोटा सा तो उसको भूख लग जाता है। अब हम लोग अपने लिए रोटी अभी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि हम लोग लेट से खाते हैं, 10-11 बज जाता है, तो मेरे हस्बैंड जो है लेट से आते हैं ना, तो साथ में ही हम लोग खाते हैं। अभी किट्टू के लिए रोटी बना देती हूँ, 2 ठो खा लेगा तो मुझे भी टेंशन ख़त्म हो जाएगा। तो खाना खिला के मैं उसको अभी पढ़ाऊँगी, तो आप लोग वीडियो में बने रहें। गाइज, मैं कभी भी रोटी तवा पे नहीं फुलाती हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में भी बोली थी और मैं इसमें भी बोल रही हूँ, क्योंकि आज तक मैंने तवा पे रोटी नहीं फुलाई, क्योंकि मुझसे फूलता ही नहीं है, तो मैं हमेशा गैस पे फुलाती हूँ। और गैस पे इसलिए फुलाती हूँ क्योंकि रोटी इसका जो होता है, आप कभी भी खाइए, 2 घंटे 4 घंटा 5-6 घंटा बाद कभी भी खाइए, इसका रोटी जो होता है ना सॉफ्ट होता है, ये चीज़ मैंने देखा है, तो वही मैं कर रही हूँ अभी, गैस पे ही हमेशा फुलाती हूँ। तो और यार, बहुत गर्मी है, मेरा पसीने पसीने हो गई हूँ मैं रोटी बनाते बनाते, बट बनाना तो है आपको। और किट्टू पीछे बार बार बोल रहा, मामा मुझे भूख लगा है, भूख लगा है।
का भुंजा हो गया, तो मैं उसमें थोड़ा सा लहसुन घोल के कूच के डाल दूँगी तो थोड़ा सा अच्छा लगने लगा, नहीं तो ऐसे सादा सादा लगता है। तो मैं अभी वही कर रही हूँ, और रोटी तो बन गया और भुंजा भी हो गया, तो मैं अभी कीटू की खिला दूँगी। और गाइज ये मेरा इवनिंग रूटीन है, शाम का मेरा यही रूटीन। और देखिए पूरा पसीने पसीने हो गई हूँ मैं रोटी बनाकर, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और गाइज वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़, और यहाँ पे मैंने दूध भी बैठा दिया है गर्म होने के लिए, दूध भी आ गया है। तो मैं यहाँ साथ साथ में भुंजिया बन गया, रोटी कीटू के लिए बना दिया मैंने, तो मैं यहाँ दूध गर्म कर ले रही हूँ क्योंकि कीटू को पीना रहता है, तो मैं उसको पिला भी देती हूँ। और देखिए यहाँ पे मेरा भुंजिया ऑलमोस्ट बन चुका है। और गाइज आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा है। और किटू के मैंने यहाँ पे जो उसका होमवर्क मिला है तो मैं उसको भी पढ़ाऊँगी साथ। गाइज घर का सारा काम करना, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को देखना, खिलाना पिलाना, मैनेज करना घर का पूरा काम अकेले बहुत मुश्किल होता है, बट करना तो पड़ता है। तो अभी मैं उसको होमवर्क करवा रही हूँ। और बच्चों के पढ़ाने में क्या बोलूँ मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगी। बच्चों को पढ़ाने में सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, मैं बोलती हूँ बाबू लिखो लिखो लिखो, मैं 10 बार बोलूँगी तो 1 बार सुनेगा, और मैं बोलूँगी तो वो मुझे ही पढ़ाने लगता है, हाँ ऐसे करना है ऐसे करना है। गाइस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा, और जो न्यू होंगे वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जो आपको आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे कि मेरे नेक्स्ट वीडियो के। और कमेंट शेयर ज़रूर करें प्लीज़। जॉब करूँगा तो आपको साड़ी दिलाऊँगा, ये दिलाऊँगा। तो गाइस जी लोग का क्या पता है पढ़ना जॉब लेना कितना मुश्किल चीज़ होती है, अब कितना हर पढ़ाई में कंपटीशन हो गया, जॉब लेना कितना मुश्किल हो गया है। और गाइस मैं अपने बारे में भी बताऊँगी। और देखिए किटू का हैंडराइटिंग भी बच्चा है तो, बट ठीक है अच्छा ही लिखता है।
और गाइज मैं बता रही हूँ, मैं अपने बारे में भी बताऊँगी कि मैं कहाँ पढ़ी लिखी हूँ, कितना तक पढ़ी लिखी हूँ, मैं कहाँ से रहने वाली हूँ, मेरा मायका कहाँ है, हम कितने भाई बहन हैं। तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी, तो अभी नहीं बनाऊँगी, जब 1000 मेरा सब्सक्राइबर हो जाएगा तो बनाऊँगी। और यहाँ देखिए मैं किटो के यहाँ पे खाना खिला रही हूँ, रोटी भुंजिया, और उसके बाद मैं इसको दूध पिला दूँगी। तो सो जाकर देखिए मुझसे लिपट रहा है, प्यार कर रहा है, मम्मा आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो गाइज अगर वीडियो लगा होगा तो दिल से एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो न्यू होंगे वो प्लीज़ मेरे ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो मैं नेक्स्ट वीडियो आप का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो गाइज अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट, और आप सभी घर में खुश रहें, स्वस्थ रहें।